हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी मेसी को। दोस्तों वर्डप्रेस के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कॉन्टेंट अस का पेज कैसे लगा सकते हैं, जो कि ब्लॉगिंग के रिलेटेड अगर टॉपिक है तो ब्लॉगिंग पे मैंने दो वीडियो बना दी इस टॉपिक को लेकर के। बट ये वर्डप्रेस की सीरीज चल रही है जैसे कि आपको पता है, तो वर्डप्रेस में भी कॉन्टेंट अस का पेज लगाने का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। इसमें प्लगइन का यूज़ करना पड़ता है आपको, देन बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, कोई एक नहीं, मैं बेहतर जो प्लगइन है वो उसके बारे में बताऊंगा। और उस प्लगइन को यूज़ करके आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे कॉन्टेंट अस का पेज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये ब्लॉगिंग के जैसा नहीं है, ब्लॉगर में जैसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वेबसाइट कभी सही तरीके से रन नहीं करता है, मतलब बहुत सारे मसले होते हैं कॉन्टेंट अस के पेज में। बट वर्डप्रेस में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी वे में आप आसानी से कॉन्टेंट अस का पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, सिंपली हम लोग करके दिखाते हैं कि कॉन्टेंट अस का पेज अपने ब्लॉग पे कैसे लगाएं। एक्चुअली मैंने कॉन्टेंट अस का पेज अपने वेबसाइट पे, वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे जो है freelearnsite.com, इस पे मैंने कॉन्टेंट अस का पेज लगा दिया ऑलरेडी, बट फिर भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि मैंने कैसी लगाई है। ठीक है, तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी तक अपने देसी मेसी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं अक्सर लाता रहता हूँ जब आपके इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने उस अकाउंट पे आ जाओ जिस अकाउंट से आपका बना हुआ डैशबोर्ड, जैसे कि देखते हैं freelearnsite.com/wp-admin, वहाँ पे आईडी पासवर्ड पूछेगा वर्डप्रेस का, वो डाल कर आप यहाँ डैशबोर्ड तक एंटर हो जाएंगे। ठीक है, देन देखिए आपको क्या करना, पहले हम लोग साइट को विजिट कर लेते हैं। साइट ये मेरा ये कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने काफ़ी इतने सारे वीडियोज़ बनाने के बाद मैंने कुछ काम किया है इसमें, तब जाके कुछ इस तरह से लुक आ पाया है मेरी वेबसाइट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना, आप अपने देखिए डैशबोर्ड पे चले आप। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्टेंट अस का पेज ऑलरेडी बना दिया, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्म खुल जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एंड देन कुछ भी जो भी आपको मैसेज छोड़ना है इस वेबसाइट के एडमिन को सबमिट कर सकते हैं। बट सेम इसी तरह का एक और पेज मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये तो मैंने बना लिया ऑलरेडी, बट कैसे बनाई, क्या चीज़ का यूज़ किया मैं बना के दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा उसे। ठीक है, वो भी मतलब बता दूँगा कि यहाँ कैसे ऐड करना है। आ जाते अपने इसे होम पे क्लिक कर लेता और अपने डैशबोर्ड पे आ जाता। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ प्लगइन में ऐड प्लगइन, इसमें प्लगइन का आपको यूज़ करना होगा जो कि बहुत ही इजी वे में यूज़ कर सकता है, और एक नहीं बहुत सारे प्लगइन आते हैं। सिंपली प्लगइन ऐड प्लगइन में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट अस। आप कॉन्टेंट अस क्लिक करते हैं, यहाँ सर्च करते हैं, यहाँ पे देखें बहुत सारे प्लगइन, ये सारे देख रहे ना, ये सब कॉन्टेंट अस, देखें फॉर्म कॉन्टेंट अस का फॉर्म प्लगइन, सब कुछ वही बनाने का। अब इसमें आपको सजेस्ट करना है कि कौन सा बेहतर है। रेटिंग देखें इसमें, कितने लोग एक्टिव इंस्टॉलेशन किए हैं वो देखें आप, कब का लास्ट अपडेट है वो देखें आप, है ना। तो बट आप यहाँ पर सर्च करते हैं, सबसे फर्स्ट में आ रही, सबसे फर्स्ट में ये जो दिख बेहतर है वो सबसे ऊपर में ही दिख रही है आपको। 1 मिलियन एक्टिव है ये इंस्टॉलेशन, ये जो प्लगइन है ये 1 मिलियन लोगों ने एक्टिव किया हुआ, रेटिंग एकदम फुल 5 है और किसी का भी रेटिंग 5 नहीं, आप देख सकते होंगे, है ना। तो बस ये इसका भी रेटिंग अच्छा है। तो आप इस तरह से सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लगइन, अगर आप सजेस्ट नहीं कर पा रहे तो मैं बता दूँ आपको, इस ये जो देख रहे हैं ना कॉन्टेंट अस का फॉर्म WP फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिल्ड, ये इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, डेफिनेटली इससे काफ़ी बेहतर बन जाएगी। और आप, मैंने जैसे बनाया आपको दिखाया ना यहाँ पे, सेम इस तरह का बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। तो ये कॉन्टेंट अस का फॉर्म सर्च करने के बाद, कॉन्टेंट अस सर्च करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल भी किया है, एक्टिव भी किया है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव इंडिविजुअल दिख रहा है आपको। जब इसे आप इंस्टॉल नहीं किए हुए होंगे तो ये देखें कुछ इंस्टॉल ना के जैसा यहाँ पे दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करना है, वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक्टिव का बटन आ जाएगा, देन उस पर एक्टिव पे क्लिक कर देना। अगर फिर भी यहाँ पे एक्टिव का बटन नहीं दिखता आपको तो प्लगइन पे आकर के देन यहाँ पे इंस्टॉलेड प्लगइन में आएंगे, तो यहाँ पे जितना भी आपका इस वर्डप्रेस पे ऐड रहेगा वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा हो कॉन्टेक्ट अस, ये वाला है ना, ठीक है, WP फॉर्म। तो यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आएगा, डीएक्टिव है ना, यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से एक्टिव कर दे, नहीं तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी दिखेगा आपको, उसके लिए टेंशन ना ले, यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्टिव का बटन दिखेगा, यहाँ एक्टिव पे क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इंस्टॉल होने के बाद देखिए क्या करना है आपको, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, देखिए WP फॉर्म ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये WP फॉर्म है, ये यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए यहाँ WP फॉर्म्स लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑल फॉर्म में क्लिक करें आप, देखिए मैंने दो फॉर्म बनाई हुई है यहाँ पे अपने वेबसाइट में जाकर, कॉन्टेंट अस का फॉर्म है, रिक्वेस्ट कोर्स है, इसका भी मैंने फॉर्म ही क्रिएट किया हुआ, इस पर क्लिक करें आप, देखिए कुछ इस तरीके से इसका कुछ रूल्स बता दिया यहाँ पे, नेम ईमेल एंड रिक्वेस्ट कोर्स का नाम यहाँ पे दे दें, सबमिट कर दें, वो भी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। तो
ये दो फॉर्म मैंने बनाई। अब तीसरा मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है एक्चुअली इसको। डब्ल्यू पी फॉर्म पे आके ऑल में आगे, अब यहाँ देखिए न्यू ऐड न्यू के ऑप्शन है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब फॉर्म का नाम दे देंगे कि इस किस नाम का फॉर्म बना, जैसे कि आपको पता कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑलरेडी बना लिया, मैं कहीं कन्फ्यूज ना हो नाम में, इसलिए मैं इसको सिर्फ कॉन्टैक्ट देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट दिया, कॉन्टैक्ट अस नहीं दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पेज है कॉन्टैक्ट अस का, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए से मैंने सिर्फ कॉन्टैक्ट ही दिया, आपको ध्यान दे याद रखें। ओके, देन यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला यूज़ करता हूँ, ब्लैंक वाला लेकर के आप फिर डिज़ाइन करना ये करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको फर्स्ट टाइम, इसलिए आप सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म ही ले लें। क्लिक कर दे इस पर, क्लिक करने के बाद देखें यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे देखें नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट, ये बना बनाया आपको मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब फील्ड ऑप्शन में आ गया, या फिर ऐड फील्ड यहीं पे आएंगे। यहाँ पे आप देखें मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, नेम यहाँ पे, नेम में यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसे क्या रखना चाहिए, नेम लिखा हुआ रहना चाहिए या फिर कुछ और आना चाहिए। देखिए कुछ भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, आप श्योर कीजिए नेम ही वहाँ पे बेहतर होता है। एंड फॉर्मेट में क्या है, ये फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम हो गया। अब इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये लास्ट नेम होगा हमारा यहाँ पे। ईमेल आईडी पे क्लिक करें, यहाँ पे लेबल का नाम क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, सही है। देन कमेंट में एडवांस ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी बने बनाए ही है आपको। बट एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दूँ कि अगर कोई बंदा जब यहाँ पे सबमिट करेगा नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कमेंट जो भी है मैसेज, वो जाएगा कहाँ पे, वो कैसे, अभी तक तो मैंने कुछ बताया नहीं इसे कि कहाँ पे आना चाहिए इसे। तो वो आएगा आपका सेटिंग में आकर के, आप चले आए नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन देखें सेटिंग में आने के बाद, नोटिफिकेशन में आने के बाद देखें सेंड टू ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस दीजिए जहाँ पे बंदा अगर कोई भी वहाँ पे नाम यहाँ पे टाइप या जो भी यहाँ पे डालेगा वो नाम, ईमेल, कमेंट, तो वो किस मेल आईडी में जाएगा, वो यहाँ पे आप मेल आईडी डाल दें। ठीक है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया, सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ कॉन्टैक्ट ऑलरेडी ले लिया, और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे वो मेल आईडी डाल दे कि जिस मेल आईडी में ये कॉन्टैक्ट उसका फॉर्म वाला डिटेल जाना चाहिए वो यहाँ पे मेल आईडी डाल दे। ध्यान दे आप सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन में, बस आप कुछ भी नहीं करना, सेटअप में आके आप देख ले यहाँ पे फील्ड एक बार देख ले, सेम इस तरह का फॉर्म दिखेगा आपको, सिंपली से सेव कर देना आपको। सेव करने के बाद यहाँ एम्बेड कोड में क्लिक करना है और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना आपको, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर ले, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, क्लोज, अब इसे भी क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अपने वेबसाइट में पेज क्रिएट करना है आपको, जैसे कि पता आपको कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के लिए, प्राइवेसी पॉलिसी के, ये सब के लिए पेज क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं मेरा फॉर्म एक क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब पेज क्रिएट करना आपको, पेज पे चले आते हैं हम लोग, पेज भी मेरा यहाँ पे इतना सारा क्रिएट है, तो कहीं कॉन्टैक्ट अस का भी पेज यहाँ पे क्रिएट है, इसमें भी कहीं आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं इसका भी नाम सिर्फ कॉन्टैक्ट ही दूंगा। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, पेज पे आने के बाद कॉन्टैक्ट ही नाम दिया मैंने इसका सिर्फ, और यहाँ पे देखिए जब विजुअल है यहाँ पे, देन यहाँ टेक्स्ट पे आ चले आप, या फिर विजुअल में भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माउस को जस्ट यहाँ पे रखे, देन कंट्रोल वी कर दे, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दे बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड पेज का नाम दिया, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, देन यहाँ से पब्लिश, बस पब्लिश हो गया। अब चलिए आप इस पेज को, इस पेज के लिंक को जहाँ पे भी यूज़ करना चाहे यूज कर सकते हैं, हो गया काम, बस इतना ही है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू में चले आप, यहाँ से देखिए अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू में चले आए, हम लोगों को यहाँ ऐड करना, यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो वो कौन सा मेन्यू हमारे, जैसे कि मैनेज लोकेशन, वो मेरा है टॉप मेन्यू। ठीक है, प्राइमरी मेन्यू होते हैं, ये मेन मेन्यू जो है ये टॉप मेन्यू है, तो ये टॉप मेन्यू मेरा, इसमें दो ही मेन्यू है, थर्ड मेन्यू फुटर मेन्यू नहीं है इसमें, तो ये वेरी टॉप मेन्यू है, इसे जो सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, एंड देन देखते हैं वेरी टॉप मेन्यू सेलेक्ट है यहाँ पे, एंड देन एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक कर, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस, तीन चीज़ है यहाँ पे, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस। यहाँ पे एक और ऐड करना, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट, जैसा कि मैंने नाम डिफरेंट दिया था, देखे सिर्फ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, पेज बनाया था मैंने, इस पेज में उस कॉन्टैक्ट का फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, देन इस पेज को यहाँ से सेलेक्ट कर चेक करें आप, देन ऐड मेन्यू, ऐड मेन्यू क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेज ऐड हो गया। अब इसे सेम मेन्यू कर देते हैं, अब वो मेन्यू बार में ऐड हो गया, अब इसे डैशबोर्ड पे चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो गया, अपने वेबसाइट पे आके इसे रेफ्रेश कर ले, जैसे देख सकते हैं मैंने रेफ्रेश करते ही ये रेफ्रेश हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का
लिंक आ गया, बटन आ गया यहाँ पे। अब कॉन्टेक्ट पर कोई बंदा जब क्लिक करेगा, देखिए आप, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज एंड सबमिट। सबमिट करते वह मेल आईडी पे चल जाएगा जो मैंने वहाँ पे सेटिंग में नोटिफिकेशन में डाला था। तो ये इजी प्रोसेस से आप कॉन्टेक्ट अस का पेज आसानी से क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आप बहुत आसानी से सीख सके होंगे कि कॉन्टेक्ट अस का पेज अपने ब्लॉग या वेबसाइट में कैसे लगाएं। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगी जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिए किस तरह का कोई डाउट्स प्रॉब्लम होगी तो बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो खैर मिलेंगे इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।